कैसे हैं दोस्तों? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम फीलिंग अ लिटिल बिट सैड, क्योंकि पिछले दिनों मैं बहुत ज़्यादा वीडियो बनाने में एक्टिव नहीं रह पाया और आई वॉन्टेड एवरी सिंगल डे कि मैं टाइम निकालूं और आप सबके लिए जो मेरी एक पैशन है वीडियो बनाने का वो मैं कर सकूं, बट आई कुड नॉट डू दैट। सो I'm feeling a little bit disconnected. So let's make that up. दूसरी बात दोस्तों, पिछले 3 महीने में हम लोगों ने एक दूसरे के साथ जो जुड़ाव बनाया है, कनेक्शन बनाया है, और इतने सारे लोग रेगुलरली इस चैनल से जुड़े हैं और अपनी फीलिंग्स मेरे साथ शेयर करते हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। हम लोग जीवन में मोटिवेशन को लेकर के और अपने पर्सनल गोल्स को लेकर के जो हमें एक उत्साह और एक एनर्जी चाहिए उसको लेकर के इस चैनल पे बात करते हैं, और आप सब लोग जो इंटरेस्टेड हैं अपनी ज़िंदगी में अपने पर्सनल ग्रोथ को लेकर के, उन सब का यहाँ स्वागत है। आप सब वो सब कुछ कर सकते हैं जो इस ज़िंदगी में इंसान को अपनी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, जो हर एक वो अपने अंदर ड्रीम्स देखता है उस सबको वो आगे बढ़ाकर अपनी जिंदगी में सच्चाई बना सकता है। सो दोस्तों, लेट्स ट्यून इन अगेन दिस स्मॉल सीरीज ऑफ वीडियोस जो अब मैं आगे कुछ बनाने वाला हूँ, दैट बिलोंग्ड टू दैट वन वीडियो विच आई मेड प्रीवियसली। इससे पहले वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि कैसे हमें कुछ चीजों का अफसोस होता है लाइफ में, और वो अफसोस होने का मतलब ये नहीं कि जिंदगी रुक गई और हम अपनी जिंदगी में हार मान के बैठ। चैलेंज वहां शुरू होता है जब आप अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलते हैं, अपने फेलियर्स को अपनी विनिंग में बदलते हैं, अपने उन तमाम छोटे छोटे ऐसे मुद्दों को जो आपको हमेशा पीछे ढकेलते आए हैं उनको अपनी जिंदगी में ताकत की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, हम कुछ आने वाले वीडियोस में ये बात करेंगे कैसे हम अपनी ज़िंदगी में अपने आप को ऑर्गेनाइज बना सकते हैं, मोटिवेटेड बना सकते हैं, कैसे अपने आप को स्ट्रांगली इस रास्ते पे आगे ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, लेट्स डाइव इन। This is my motivation. No, just kidding. Why this topic? Be a beast. I don't mean this beast or this beast or this beast. Not especially this one. दोस्तों, I do not mean by the beast कि हम एक violent इंसान की तरह या फिर एक सोसाइटी के लिए डेंजरस पर्सनैलिटी की तरह उभर के आए। दिस डज नॉट मीन ओनली दैट यू बिहेव लाइक यू आर अ वेरी रॉन्ग पर्सन, बैड पर्सन। और जब हम अपने जीवन में कुछ बदलना चाहते हैं और अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, तो कई बार हमें अपनी ही आदतों से, अपनी ही माइंडसेट से, अपनी ही सोच और अपनी ही कमजोरियों से उभरने के लिए एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत की, एनर्जी की जरूरत होती है। यू हैव टू स्टेप इन बीस्ट मोड, इन द मोड वेयर यू आर रेडी टू टेक एनी एक्शन टू चेंज योर लाइफ, विनिंग द टाइम। समय हर रोज का हमारे फेवर में हो और हम उसको अपने प्रोग्राम, अपने सोच और अपने ड्रीम्स के अनुरूप गुजारें। क्या आपको पता है कि मैक्सिमम लोग
रिएक्टिव रूप में अपना सारा वक्त गुजारते हैं और हर दिन के अंत में वो ये सोचते हैं कि उन्होंने पूरा दिन वेस्ट कर दिया और उन्होंने अपने दिन का, अपने समय का एक्चुअली में कोई बेनिफिशियल यूज नहीं किया। मैं आपको चार चीजें ऐसी बताने वाला हूं जिसको आप प्रैक्टिस में ला करके इस पूरे रूटीन को बदल सकते हैं। मेक योर गोल व्हाट यू वांट। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि लोग संसार में वो नहीं करते जो वो पाना चाहते हैं, लोग संसार में अपनी जिंदगी में वो करते हैं जो उनके लिए मस्ट होता है, जो उनकी जरूरत होती है, जिसके बगैर वो जी नहीं सकते। विशेस करने वाले लोग कई बार सारा वक्त इच्छाओं में, भावनाओं में उनके पीछे सोचते सोचते गुजारते हैं, और जिनके लिए लाइफ में कुछ चीज मस्ट होती है वो सारी तकलीफें, सारी रुकावटें पार करके उन कामों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। यू मस्ट हैव गोल्स विच यू मस्ट अचीव इन योर लाइफ टाइम। आपने लाइफ का एक गोल बनाया कि आज से 10 साल बाद मैं चाहता हूं मैं मजबूरी में, तंगी में, परेशानी में ना रहूं, मैं रिसोर्सफुल हूं और मैं जो भी चाहूं कर सकूं, या जो भी लोग मेरे इर्द गिर्द हैं, जो भी मेरे बहुत क्लोज हैं, जिनको मैं बहुत तकलीफ में देखता हूं या परेशानी में देखता हूं, उन सब की मैं मदद करने की कोशिश कर सकूं, इतनी मेरे अंदर क्षमता हो, इतनी मेरे अंदर पॉसिबिलिटी हो कि मैं उन सबको मदद कर सकूं। दोस्तों, टाइम काउंट्स बिट बाय बिट। हर एक वो सेकंड जो आप ऐसे ही गुजार रहे हैं और उसको आप कहीं यूजफुल नहीं देखते अपनी जिंदगी में, वो समय आपकी जिंदगी के बहुत बड़े एक लक्ष्य पूर्ति के रास्ते से निकल जाएगा। और ऐसे अगर आपने हजारों मोमेंट्स निकाले, देन यू हैव वेरी लेस टाइम इन हैंड। दोस्तों, रेस्पेक्टिंग टाइम मेक्स एवरीथिंग अमेजिंग। एक बार जब बुद्धा से पूछा गया कि दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज क्या है, तो बुद्धा कहते हैं कि लोगों को समय की कीमत का अंदाजा नहीं। ये वो चीज है जो हाथ से निकल गई तो फिर दुनिया की कोई भी चीज का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो दोस्तों, हर एक वो चीज जो आप पाना चाहते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। अगर आपके लिए आपके परिवार की नजदीकी इंपॉर्टेंट है, सो दैट इज योर गोल। अगर आपके लिए पैसा कमाना या रिसोर्सफुल होना या इतना समृद्ध होना कि आप किसी के लिए भी एक हेल्पफुल फैक्टर बन सकें, सो दैट इज योर गोल। अगर आपको संसार की तमाम चीजें बेकार लगती हैं और आपको परमार्थ में या फिर स्पिरिचुअलिज्म में लगना है, सो दैट इज योर गोल। फॉलो दैट गोल एंड ब्रेक डाउन टू डेली बिट्स एंड डू दैट पार्ट। Change does not come with a short-term investment. अगर आपको जिंदगी में कुछ बदलाव लाना है तो वो बदलाव आपका एक impatience नेचर से या फिर एक instant gratification से कि मुझको सब कुछ अभी चाहिए, उससे नहीं आ सकता। You have to invest yourself in a greater good. अगर आपको बड़ी चीज चाहिए तो उसके लिए आपको छोटी छोटी चीजों में इन्वेस्ट करना होगा। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आप आज में होने वाले कामों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट अबाउट इट। जब आप अपने रोज में अपने लक्ष्य और अपने मोटिव को ध्यान में रख करके उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपकी जिंदगी में जो चीज आपको नहीं मिली, उन तमाम चीजों को पाने के लिए आपने अपने आप को एक स्ट्रांग मोटिवेशन दे दिया, आपने अपने आप को स्ट्रांग तरीके से तैयार कर लिया। सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट अबाउट योर एक्टिविटीज कि आप चाहे कोई चीज अभी तक नहीं कर पाए, बट इफ यू वॉन्ट टू अचीव समथिंग, आपको वो चीज हर रोज करनी होगी। आप अगर एक दिन कोई चीज छोड़ते हैं, दो दिन छोड़ते हैं, महीना भर छोड़ते हैं, साल भर छोड़ते हैं, देयर इज नो डाउट यू आर फीलिंग शॉर्ट। आप अपने आप को अपनी सही की जिंदगी से बहुत अलग, बहुत ही डिस्कनेक्टेड पाएंगे।
आप पाना चाहते हैं बहुत बड़ी बड़ी चीजें जिंदगी में, फ्रीडम, हैप्पीनेस, जॉय, टू फील दैट रिसोर्सफुल कि आप किसी को भी मदद कर सकें, बट यू आर नॉट कनेक्टिंग देयर बिकॉज यू आर नॉट कंसिस्टेंट, बिकॉज यू आर लुकिंग शॉर्ट टर्म गोल्स, यू आर लुकिंग शॉर्ट अचीवमेंट्स. दोस्तों, इन्वेस्ट योर सेल्फ इन अ ग्रेटर गुड. अगर आप अपनी जिंदगी में किसी भी तरीके से कुछ पाना चाहते हैं, सो यू हैव टू इन्वेस्ट इन योर डेली ड्यूटीज, डेली जॉब्स अकॉर्डिंग टू दैट. जो भी आपका रोज का काम है उस एक बड़े लक्ष्य को पाने के लिए, दैट यू हैव टू डू. Organize your day, दोस्तों. If you want to win in your life, अगर आपको अपनी जिंदगी में, अगर आपको उन तमाम चीजों से जो आपकी जिंदगी में अभी तक नहीं हुई, उनसे अपनी जिंदगी में बदलाव लाना है, परिवर्तन लाना है, तो वो सिर्फ एक तरीके से पॉसिबल है कि आपका हर एक दिन उस तरीके से गुजरे जैसे आप प्लान करते हैं, ना कि रिएक्टिव मोड में, ना कि दूसरों के प्रभाव में, दूसरों के परिवर्तन में. और ये तभी हो सकता है जब आपको पहले से पता हो कि आपको अपना दिन, अपनी एनर्जी किस तरफ गुजारनी है, किस दिशा में लगानी है. दोस्तों, जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए किसी भी एस्पेक्ट में, किसी भी डायरेक्शन में, दे हैव ऑर्गेनाइज्ड एवरी सिंगल डे ऑफ देम. अगर आपको पहले से, शुरुआत से इस चीज का अंदाजा है कि आपका अगला दिन किस दिशा में गुजरना है, किस तरीके से, किन कामों को करते हुए गुजरना है, तो आप चाहे कोई लाख कोशिश करे, आपको आपके डायरेक्शन से, आपके टारगेट से नहीं भटका सकता. तो दोस्तों, जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में विश्वास रखते हैं और एक दिन पहले से इस चीज को जान जाते हैं कि उनका अगला दिन कैसे गुजरना है, उनको अगले दिन में कौन सी वो मस्त चीजें हैं, कौन सी वो जरूरी चीजें हैं जो उनको जरूर जरूर करनी है, वो लोग किसी भी तरीके से, बाहरी किसी भी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से, लोगों के बहकावे से, लोगों के प्रभाव में अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करते. तो दोस्तों, जो लोग चाहते हैं कि उनकी जिंदगी सबसे हाई लेवल पर हो, उनके सारे सपने उनकी जिंदगी में जीते जी पूरे हों, वो अपनी जिंदगी में हर एक वो काम कर सकें जिससे वो आगे बढ़कर दुनिया में एक अलग लेवल पर, सारी दुनिया के लिए एक मिसाल के रूप में हो, तो उनको दोस्तों एक अलग लेवल पर, अलग स्तर पर ये सारे काम करने पड़ते हैं. और वो सारी चीजें सिर्फ एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन, एक छोटी सी नियमित व्यवस्थित होने की एक नियम शैली को बनाकर बनाया जा सकता है. Now, last thing, my friend, be a beast. You have to be that person, वो इंसान जो बहुत स्ट्रांग विल पावर के साथ अपने आप में यकीन रखता है, जो चाहता है कि उसकी जिंदगी एक अलग दिशा में, एक अलग तरीके से मुकाम पाए. वो इंसान जिसको अपनी इस खूबसूरत दी हुई जिंदगी में यकीन है और जिसको ये भरोसा है कि उसको अपनी जिंदगी में किसी एक खास मकसद के लिए भेजा गया है, एंड ही वॉन्ट्स टू गो फॉर दैट थिंग. तो उससे बहुत आसान है कि जिंदगी में हर एक चीज के लिए निराश होना, हर एक चीज के लिए हिम्मत छोड़ देना, ये मानना कि आप संसार में डिप्रेस्ड हैं,
फ्रस्ट्रेटेड हैं, लाइफ का कोई मकसद नहीं, लाइफ का कोई भविष्य नहीं। पर मेरा ये मानना है दोस्तों कि वी हैव बीन गिवन दिस यूनिक लाइफ, और इस जिंदगी में जिसमें हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ पा सकते हैं, वी चूज टू स्टे स्टिल, वी चूज टू स्टे सैड एंड फ्रस्ट्रेटेड एंड एमलेस। और जब कोई इंसान इतनी खूबसूरत लाइफ देने के बाद अपनी जिंदगी में सिर्फ दिशाहीन होकर जिंदगी को बड़े असहाय हेल्पलेस तरीके से जीता है, देन दैट इज द बिगेस्ट सिन इन लाइफ। सो दोस्तों, आई बिलीव दैट एवरी वन ऑफ यू हैव दैट पोटेंशियल। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, वो ताकत है, वो परमात्मा ने एक बहुत जुनून से भरा हुआ एक अवसर तुम्हें दिया है जिससे तुम अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हो। तो दोस्तों, बी अ बीस्ट, बी दैट स्ट्रांग विल पावर्ड पर्सन जो अपनी जिंदगी में हार नहीं मान सकता, जो कभी भी किसी भी कारण से अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखता, जिसे अपनी जिंदगी में कुछ पाना है, कुछ बनना है, कुछ लक्ष्य अचीव करना है, और उस अचीवमेंट के लिए वो इंसान किसी भी मुसीबतों से, किसी भी तकलीफों से नहीं डरेगा। सो बी दैट पर्सन माई फ्रेंड, बी दैट स्ट्रांग विल पावर पर्सन।